आज के फनकार। आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गजल गायक एवं पार्श्व गायक पंकज उधास पर। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार, जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार। का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उधास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उधास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए। कोई आहट ना सदा है मुझ में, कोई आहट ना सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई आहट ना सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई आहट। दिखाने वाले आईना मुझको, दिखाने वाले तेरा पैकर भी छुपा है मुझ में, तेरा पैकर भी छुपा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में, कोई आहट। 1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उधास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में
पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी। चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गजब हो गया। चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गजब हो गया। चांदनी छुप गई चांद शर्मा गया, चांदनी छुप गई चांद शर्मा गया। आपका मुस्कुराना गजब हो गया। चांदनी रात में चांद के सामने रुख से पर्दा हटाना गजब हो गया। चांदनी रात में 17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया। चाहिए मुझको जिसकी फजा मस्ताना हो, एक कोने में गजल की महफिल, एक कोने में मैं खाना हो, एक कोने में मैं खाना हो, एक ऐसा घर चाहिए मुझको जिसकी फजा गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछो तुमसे, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछो तुमसे, किस तरह दर्द मोहब्बत में जिया जाता है, किस तरह हंसते हुए जहर पिया जाता है। तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछो तुमसे, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछो तुमसे। उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई, उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल है।
तब गंगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल जगाए जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए तू जिसको मिल जाए वो तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा। अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। ऊपर मेरा नाम लिखा है अंदर ये पैगाम लिखा है ओ परदेश को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले सात समंदर पार गया तू हमको चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी आई बैसाखी तेरा ना रह गया बाकी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की मिट्टी आई है। 1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया। जन्मों से हम यूं ही मिलते आए, हम दोनों हैं एक तन के दो साए, छोड़ के तेरे प्यार का दामन जाना और कहां है, जीना नहीं जीना मुझे गायन के साथ साथ पंकज उदास कुछ फिल्मों में पर्दे पर भी दिखाई दिए। वे फिल्में थीं साजन, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे, बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं, बिन आपके।
ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू। बोले तो बजे सितार, कचरे की हार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार। फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होंठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत। मैं देखूं बार बार, ना कचरे सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उधास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे। तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह, तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह। और चल खुली रात की
तरह तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह। हमारे तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से पंकज उदास को उनके सुखमय जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज के फनकार, आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उदास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल। आज के फनकार।